अर्चना गौतम के ऊपर उठाई है उंगलियां, क्योंकि साजिद खान के साथ अर्चना की एक वीडियो हो रही है वायरल, जिस वीडियो में जो है कुछ ऐसी ब्लर सी बातें जो है प्रियंका के बारे में अर्चना करती हुई नजर आ रही है, जो कि कुछ बातें जो है मैच हो रही है, इसके ऊपर जो है मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर प्रियंका फैंस नजर आ रहे हैं। आखिरकार माजरा क्या है, चलिए आप लोगों को समझाती हूँ। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हालांकि प्रियंका को जो है पब्लिक विजेता माना गया है और इस चीज से जो है बाकी लोग काफी ज्यादा दुखी तो होंगे, जेलस तो जरूर होंगे प्रियंका से। और वहीं पर जो है जो बिग बॉस 16 के विजेता, उनको विजेता माना भी नहीं जाता है, हर जगह पर प्रियंका की ही चर्चा है। हर सेलिब्रिटी भी यही बात बोल रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई विनर से ज्यादा थर्ड रनर अप की जो है काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। यहीं पे जो है जब फराह खान की पार्टी थी, तब उस दौरान ही अर्चना जो है साजिद जी के साथ बात करती हुई नजर आई और वहां पर वो काफी सारी बातें कर रही थी, पर एक वर्ड जो है सुनाई दिया है और वो वर्ड ये है कि प्रियंका ने तो अपने पीआर के ऊपर काफी ज्यादा पैसा उड़ा दिया। अभी मतलब कि ये बात क्यों बोल रही है अर्चना बाहर आने के बाद भी प्रियंका को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आखिरकार पीआर तो सबके होते हैं, अगर अर्चना ने पीआर नहीं रखा है तो वो उनकी गलती है। प्रियंका जो है काफी टाइम से इंडस्ट्री में है, उनको पीआर रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए रखा है और पीआर की पेमेंट होती है और पेमेंट एक्चुअली में पीआर को देनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पीआर के ऊपर जबरदस्त पैसा उड़ा दिया या पीआर के पास इतनी ज्यादा पावर है कि पीआर ने सब जगह पर हल्ला कर दिया। अगर इतना ज्यादा पीआर के पास पावर होती तो हर जगह पर जो है सब पीआर रख के जो है अपना अपने आप को जनता का विनर कहलाते। हालांकि यहां पर लोग जो है मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिरकार साजिद के साथ ये बात कर क्यों रही थी और क्या ये बात थी। हम कोशिश कर रहे हैं अर्चना गौतम के साथ बहुत जल्दी इंटरव्यू लेने के लिए, अगर इंटरव्यू हमारी कंफर्म हो जाए तो ये सवाल हम खुद उनसे जरूर पूछेंगे कि आखिरकार वहां पर बात क्या हो रही थी। पर आपके क्या सवाल है, आपके क्या दिल में इस वक्त चल रहा है, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।